आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज एक इनोवेटिव बायोमेडिसिन बनाने के लिए उपयोग में आने वाले एक ट्री की चर्चा करेंगे। हाईली मेडिसिनल प्लांट है। इनोवेटिव रिसर्चेस कैंसर के लिए इस प्लांट के ऊपर किए जा रहे हैं। आज हम इसके कुछ प्रमाणिक रूप से बताए गए औषधीय गुणों की चर्चा करेंगे। साथियों, आप जो प्लांट देख रहे हैं उसको हम ट्रिविया नूडीफ्लोरा कहते हैं। ट्रिविया नूडीफ्लोरा यू4बीएसी का मेंबर है और इसको गुटेर के नाम से लोकल भाषा में उत्तराखंड में संबोधित किया जाता है। साथियों, समस्त भारत में नॉर्थ ईस्ट में भी ये पाया जाता है और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी इससे तैयार की जाती हैं। इसके अंदर हाईली पोटेंट एल्कलॉइडल स्टेरॉइडल कंपाउंड भी पाए जाते हैं। साथियों, किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग में ला सकते हैं आज हम जानेंगे। इसके फ्रूट्स आप देख रहे हैं, इसके फ्रूट से निकलने वाले सीड इसके माध्यम से प्रोपेगेशन किया जाता है। कटिंग के माध्यम से प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये जो आप शाखा, इस शाखा के माध्यम से प्रोपेगेशन किया जा सकता है, वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के अंदर ही आता है। इसके लीव्स, इसकी बार्क, फ्रूट्स, इसकी मूल और इसके स्टेम की छाल सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आती है। साथ ही अब बात करते हैं धीरे धीरे एक एक प्लांट पार्ट की। इसके जो पत्र आप देख रहे हैं, इसके पत्र का पेस्ट स्किन के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के पत्र के अंदर होती है। बैक्टीरियल, फंगल, वायरल किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसको दूर करता है इसके पत्र का पेस्ट। साथियों, मूल रूप से इसका जो प्रकृति होती है वो पित्त को शमन करने वाली होती है और पित्त के रेमेडिएशन के बाद पित्त से जनित कैंसर या ट्यूमर्स के अगर पेशेंट होते हैं उसमें भी इसके पत्र का पेस्ट अप्लाई करते हैं। और इस हाईली मेडिसिनल ये प्लांट है। हिपेटोबाइलेरी एफ्लिक्शंस होते हैं, हिपेटोबाइलेरी प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण औषधि है। मूल रूप से हिपेटोबाइलेरी डिसऑर्डर्स के लिए हमारे पास मेडिसिंस तो हैं लेकिन इतनी प्रभावकारी ना होने के कारण हिपेटोबाइलेरी सिस्टम से रिलेटेड ट्यूमर्स या कैंसर की समस्या के रेमेडिएशन के लिए इनोवेटिव फॉर्मुलेशन बनाने में इसका विशेष उपयोग किया जा रहा है। हिपेटोबाइलेरी का मतलब होता है लीवर और गॉल ब्लैडर संबंधित ट्यूमर्स और कैंसर की समस्या को दूर करने का ये कार्य करता है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, फ्री रेडिकल स्पेंजिंग इसकी एक्टिविटीज़ हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है और लिपिड पर ऑक्सीडेशन को भी घटाता है, GSH लेवल को ये बढ़ाता है शरीर के अंदर। साथियों, इसको आप अगर ट्यूमर्स की प्रॉब्लम है तो पत्र का पेस्ट बनाकर अप्लाई कीजिए और बार्क का डिकॉक्शन पिलाइए। इन्फ्लामेशन, ज्वाइंट पेन या आर्थराइटिस की समस्या है तो बार्क का डिकॉक्शन बनाकर पिलाइए। कम मात्रा में सेवन कराइए, ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड एंड स्टेरॉइडल कंपाउंड ये वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। ये यू4बीएसी का मेंबर है जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में लेने से ये डायरियल प्रॉपर्टीज अपनी शो करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथियों, अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है जिसको हिमेटूरिया कहते हैं तो उस ब्लड के निराकरण के लिए दो पत्ते का डिकॉक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन कराइए। 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के कारण पेशाब में आने वाला ब्लड स्टॉप हो जाता है, पेशाब में आने वाला ब्लड ठीक हो जाता है। ये हीमोस्टेट का कार्य करता है, नेचुरल हीमोस्टेट। हीमोस्टेट वो होते हैं जो ब्लड के फ्लो को चेक करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन को कंट्रोल करते हैं और बिगड़ी हुई प्रकृति के कारण आने वाले ब्लड को ये कंट्रोल करने में विशेष सहायक होते हैं, हिमेटूरिया की समस्या को दूर करते हैं। दूसरा मित्रों, अगर एमेसिस की समस्या हो, वॉमिटिंग आ रही हो और वॉमिटिंग से भी ब्लड अगर आ रहा हो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण, उसको भी ये दूर करता है। साथियों, उस केस में भी आपको दो पत्र लेकर दिन में 2 से 3 बार रोगी की आवश्यकता के अनुसार काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर सेवन कराना चाहिए, हिमेटूरिया की समस्या दूर होती है और हिमेट एमेसिस की समस्या दूर होती है, वॉमिटिंग में आने वाले ब्लड को भी दूर करता है। साथियों, कई बार एक्सेस मात्रा में ब्लड थिनर लेने के कारण भी ऐसा हो जाता है जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, नाक से ब्लड आता है, मुंह से ब्लड आता है या पेशाब में ब्लड आता है। इस प्रकार की समस्या प्रिमिटिव रूप से कैंसर जैसे सिम्टम्स शो करती है, उसको भी दूर करने के लिए आप पत्र का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कर सकते हैं और अगर छाल का मिल जाए तो सबसे उत्तम रहता है।
मित्रों, इम्प्रॉपर लीवर और बाइलियरी फंक्शंस के कारण पेट में गैस बनने की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, उसको भी दूर करने के लिए आप इसकी पत्र या छाल का काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए। वंडरफुल ये अपना कार्य करता है, अफारे की समस्या को पूर्णतः दूर करता है। मित्रों, सावधानी ये रखना है कि इसके जो दिखने वाले जो सुंदर फल हैं उसको हमें डायरेक्ट सेवन नहीं करना है, इसको खाना नहीं है, दे मे बी पॉइजनस टू योर हेल्थ। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इनको डायरेक्ट आपको खाना नहीं है, ये पॉइजनस हो सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाई अमाउंट ऑफ एल्कलॉइडल कंपाउंड इनके अंदर पाए जाते हैं, दैट मे बी डेंजरस टू योर हेल्थ। समस्त उत्तराखंड में, प्लेन एरिया में उत्तराखंड के पाए जाते हैं, गंगा किनारे घाटों पर बहुत आसानी से देखने को मिलता है, इसकी बहुत गहरी छाया होती है और इसके पत्र का पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। इसके पत्र मित्रों, इसका रिजिलियंस बहुत ज़्यादा होता है। रिजिलियंस का मतलब है यह किसी भी प्रकार की सॉइल की समस्या को दूर करने वाला होता है। कम इसको रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है इसके मेंटेनेंस के लिए, फाइटो रेमेडिएशन के लिए इसको आप लगा सकते हैं, सॉइल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। और आजकल रिसर्च के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है, नई नई रिसर्चेस और शोध करने के लिए। मित्रों, इसको कटिंग के माध्यम से आप लगा सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए और इसको कंजर्व कीजिए। आप इसको घरों में लगाइए, इसके औषधीय गुणों से लाभ लीजिए। इन्हीं बातों के साथ कल मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।